वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल मानस। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम लोग कोई भी ट्रांसमीटर का यानी प्रेशर ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर का 4 to 20 मिलियम्स कैसे हम लोग मेजरमेंट करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा वो आज सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं एक प्रेशर ट्रांसमीटर और PLC कार्ड के साथ एक ड्रॉइंग कर लिया। पिछला वीडियो में मैं जैसे बताया कि कोई भी प्रेशर ट्रांसमीटर, कोई भी ट्रांसमीटर हो तो उसका 4 वायर और 2 वायर कॉन्फ़िगरेशन कैसे कनेक्शन होगा वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं एक ट्रांसमीटर और एक PLC कार्ड, एनालॉग इनपुट कार्ड। आप जानते हैं कि प्रेशर कोई भी ट्रांसमीटर एनालॉग इनपुट में, इनपुट वाला कार्ड में कनेक्शन होता है। अब लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये मैं एक PT ले लिया, प्रेशर ट्रांसमीटर ले लिया, और राइट साइड में क्या है हमारा एक PLC का एनालॉग इनपुट कार्ड है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कोई भी ट्रांसमीटर और PLC के साथ, कोई भी ट्रांसमीटर और PLC के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो है 4 to 20 मिलियम्स। तो 4 to 20 मिलियम्स के द्वारा ये पहचानता है कि फील्ड में हमारा जो प्रोसेस में जो प्रेशर ट्रांसमीटर लगा है कितने बार या कितना PSI प्रेशर है। तो अभी आप देख रहे हैं जो लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे मैं सर्कल के अंदर में प्लस माइनस है और यहाँ पे भी प्लस माइनस है। रेड वाला जो वायर है वो पॉजिटिव है और ब्लैक वाला है वो नेगेटिव है। वो जो नेगेटिव जो कनेक्शन हो रहा है जो TV के थ्रू कार्ड में कनेक्शन होगा वो है आप एक्चुअली आपका एड्रेस है। कोई भी PLC का एनालॉग इनपुट एड्रेस होता है, एड्रेस में कार्ड होगा। सपोज जैसे सीमेंस में नोटेशन है PIW 102, ये एड्रेस में कनेक्शन है, ये एड्रेस में कनेक्शन है। तो अभी हम लोग देखेंगे अगर फील्ड में प्रोसेस में कोई भी अगर एरर बता रहे प्रेशर, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका 5 बार प्रेशर दिखा रहे लेकिन एक्चुअली प्रेशर आपका 8 बार है, तो इसके लिए हम क्रॉस चेक करने के लिए हम लोगों को मल्टीमीटर लगा के चेक करना पड़ेगा। तो मल्टीमीटर लगाते टाइम में हम लोग बहुत सारा गलती होता है तो हम एक एक करके देखेंगे और एक्चुअल प्रोसीड्योर क्या है पहले वो देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ट्रांसमीटर है, प्रेशर ट्रांसमीटर है और PLC एनालॉग इनपुट कार्ड है और यहाँ पे मल्टीमीटर है। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे मैं एक तो लाइन ड्रॉ कर लूँगा तो आप राइट साइड में यह है PLC पैनल साइड और यह है PT साइड यानी प्रेशर ट्रांसमीटर साइड जो फील्ड में लगा है। आप बहुत साइड में चेक कर सकते हैं। तो आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका पॉजिटिव जो वायर है वो आपका जो वायर यूसेज होगा जनरली आपका ब्लू और व्हाइट का PR केबल यूज होता है ये प्रेशर ट्रांसमीटर कनेक्शन करने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप नेगेटिव के लिए जो केबल को यूज़ किए उसको खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो नेगेटिव वाला जो वायर है वहाँ पे आपको मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव लीड है जो आपका जो मल्टीमीटर का पॉजिटिव लीड है और पॉजिटिव लीड को नेगेटिव जो वायर के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। और जो आपका मल्टीमीटर को नेगेटिव लीड है जो ब्लैक कलर का मैं यूज किया वो ब्लैक कलर को आपको सीधा कनेक्ट करना पड़ेगा PLC कार्ड का जो TV है वो TV में कनेक्शन करेगा यानी यहाँ पे। तो इसी तरह क्या होगा, हमारा मल्टीमीटर सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर को सीरीज में कनेक्शन करेंगे। पॉजिटिव वायर जैसा है ट्रांसमीटर में जाएगा, नेगेटिव वायर जो रिटर्न आएगा उसके वो केबल हम लोग खोल देंगे। खोल के क्या करेंगे, जो मल्टीमीटर का पॉजिटिव वाला लीड के साथ ट्विस्ट करेंगे और नेगेटिव वाला जो वायर है वो वायर जहाँ पे लगा था यानी कार्ड का जो TV में, वो TV में नेगेटिव वाला वायर लगाएंगे। क्या होगा, आपका बीच में मल्टीमीटर आ जाएगा यानी सीरीज में हो जाएगा। तो इसको आपको पहले इसको चेक करना पड़ेगा आपका जो मल्टीमीटर कनेक्शन किए हैं ये सीरीज में हुआ कि नहीं। जैसे कि आप जानते हैं करंट मेजरमेंट कर देते हैं हम लोग, एम्पियर कैसे करते हैं, एम्पियर हम लोग एमीटर से करते हैं। तो एमीटर कैसे कनेक्शन होगा, हमारा सीरीज में कनेक्शन होगा। और कनेक्शन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर को जो नॉब है उसको घुमा के मिली एम्पियर में देना पड़ेगा, मिली एम्पियर। ठीक है, सब उस 200 मिली एम्पियर का आपका एक रेंज है मल्टीमीटर के, वहाँ पे देना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, आप DC में डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, हमारा जैसे सीरीज में कनेक्शन हो जाएगा मल्टीमीटर के थ्रू ट्रांसमीटर में सप्लाई चला जाएगा। जैसे सप्लाई जाएगा ट्रांसमीटर ऑन होगा
और उस टाइम पे जितना प्रेशर है वो प्रेशर के अनुसार आपको मल्टीमीटर के मिलियम्स शो करेगा। वो भी कैसे शो करेगा, 4 to 20 मिलियम्स का जो आपका रेंज है 4 to 20 मिलियम्स के बीच में शो करेगा। और एक चीज़ क्या है, वही कोई क्या करता है, जो करंट मेजरमेंट करने के टाइम पे मल्टीमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देता है, कुछ इस तरह कनेक्शन कर देता है मल्टीमीटर का, जो दोनों दोनों लीड है पॉजिटिव नेगेटिव, ट्रांसमीटर के पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं तो पीएलसी पैनल के साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव टीवी में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा मल्टीमीटर पैरेलल में कनेक्शन हो जाता है। तो पैरेलल में कनेक्शन हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग मल्टीमीटर में एमीटर में सिलेक्शन करेंगे तो हम लोग सीरीज में कनेक्शन करना पड़ेगा। अगर पैरेलल में होगा तो क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये जो ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमीटर से हमारा क्या होता है, ट्रांसमीटर से हमारा 4 to 20 मिलियम्स जनरेट होता है। अगर इसको हम लोग करंट सोर्स के हिसाब से देखेंगे तो कुछ तरह सर्किट ऐसा हो जाएगा। ट्रांसमीटर को अगर करंट सोर्स के हिसाब से देखेंगे तो सर्किट कैसा हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए मैं करंट सोर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ये करंट सोर्स है, ये ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर के साथ क्या होगा, जो हमारे पहले क्या कनेक्शन किया हम लोग मल्टीमीटर, मल्टीमीटर कुछ इस तरह कनेक्शन हो जाएगा, ये मल्टीमीटर है। इसके बाद क्या आ जाए, क्या है हमारा जो पीएलसी का जो कार्ड है, कार्ड भी कनेक्टेड है ना। देखिए पहले क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव सीधा गया हमारा कार्ड में और वही से हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दिया मल्टीमीटर में। ये अगर मल्टीमीटर होगा और ये अगर पीएलसी का कार्ड है, दोनों पैरेलल हो जाएगा और ये हमारा ट्रांसमीटर है। तो क्या होगा, करंट यहाँ तक आएगा 4 to 20 में जितना आना है, यहाँ पे आके क्या होगा, ये नोड में इधर और इधर डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा, आपका जो एड्रेस में कनेक्टेड है पीएलसी का, वो क्या है, ट्रांजिस्टर एंड सर्किट है, रेजिस्टेंस एंड ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन एक सर्किट है। तो वहाँ पे भी रेजिस्टेंस इफेक्ट है, थोड़ा सा करंट इधर भी फ्लो होगा और ज़्यादातर करंट मल्टीमीटर से फ्लो होगा। तो मल्टीमीटर में जो रीडिंग दिखेगा थोड़ा कम दिखेगा, ठीक है, इतना ही। और एक चीज़ क्या बोलते हैं, तो और एक चीज़ क्या है, आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे क्या दिखाया था, आपका पॉजिटिव लीड लगाया था केबल में और नेगेटिव लीड लगाया था एड्रेस में। अगर पीएलसी साइड में अगर हम लोग पीएलसी पैनल के साइड में अगर 4 to 20 मिलियम्स हम लोग चेक करेंगे तो क्या करता है, कुछ इस तरह कर देता है, ऐसा कर देता है, नेगेटिव वायर इधर देता है और पॉजिटिव वायर इधर देता है। इसमें क्या होगा, मल्टीमीटर में आपका जो रीडिंग शो करेगा वो नेगेटिव में शो करेगा, ठीक है। इसमें घबराने की कुछ जरूरत नहीं है कि आपको जानना पड़े, नेगेटिव में शो करेगा मतलब आपका लीड इंटरचेंज हो गया और एक्चुअल जो कनेक्शन है आपको ऐसा करना पड़ेगा तो आपको सही से रीडिंग दिखेगा। चलिए वीडियो इतना ही, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।